तो शो खत्म हो गया। कैसा रहा? भैया सो फाइनली हम निकल चुके हैं एनिमल देखने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई सुबह की शुरुआत जिससे होती है वो है चाय, क्योंकि इसके बिना तो एनर्जी मिलती नहीं है। उसके बाद हमने पकड़ लिया ऑटो क्योंकि हमें जाना था टोपी वाला कॉम्प्लेक्स। वो क्यों? एनिमल देखने के लिए। चलो चलते हैं। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसी मूवी का देखने जा रहा हूँ और वो है एनिमल, क्योंकि यार हाइप बहुत ज़्यादा है। और सच में हम लोगों को लकीली कल कम प्राइस की टिकट मिल गई, ओनली ऑन 230। पता आप लोगों को, मुंबई की ना सिर्फ दो ही चीज़ें खूबसूरत है, पहला मुंबई की सुबह और दूसरा मुंबई की रात। तो जीतू भाई, जीतू भाई पहली बार किसी मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना भाई। मैं भी अच्छा अच्छा तो जीतू भाई पहली बार किसी मूवी के लिए इतने एक्साइटेड है कि फर्स्ट डे एंड आई थिंक सेकंड थर्ड शो होगा ये, है ना? हां यार। तो मैं भी पहली बार, मतलब बहुत साल बाद 2016 में सनी देओल की घायल बन सके देखने गया था मैं मॉर्निंग 8 बजे का शो मेरा बाहुबली के बाद। अच्छा जी, बाहुबली। तो फिर भी अपन लोगों को 4-7 साल बाद किसी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट एनिमल में थर्ड शो देख रहा हूँ। मतलब एनिमल में वो स्टोरी मैं खुद के ऊपर देख रहा हूँ, मतलब पापा वाली। सुन रहा हूँ मैं, बहरा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ। हाँ तो हम लोग पहुँच चुके हैं टोपी वाला। हम लोगों ने टोपी नहीं लगाई पर किधर जाना है? यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और देखो ये प्यारा सा मंदिर। तो हम पहुँच चुके हैं टोपी वाला और 11:55 का शो है। 11:20 ऑलरेडी हो गए हैं। जीतू भाई सुबह मॉर्निंग में उठे और बस लाइक जल्दी जल्दी तैयार हुए और 10:20 में अभी भाई चलो 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 20 मिनट बाकी 20 मिनट बाकी। मैं कहता हूँ 20 मिनट बाकी है यार, शो तो 11:45 का था ना। लाइक वो तो 10:45 का था। चलो नहीं नहीं 11:45 का। सो हम लोग फिर लेट निकले, एयर वेयर तो हम लोग जल्दी हो गए थे। तो जीतू भाई एनिमल तो लग रही है, एनिमल का हाइप बहुत ज़्यादा है, साथ में विकी कौशल की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्म लग रही है वो है सेम बहादुर। तो क्या बोलोगे विकी कौशल के लिए? विकी कौशल दमदार एक्टर है, देखेंगे इसके लिए पक्का देखेंगे, बट एनिमल के बाद। तो शो खत्म हो गया, कैसा था? कैसा था? मस्त था, एक नंबर। तो भाई ये वो है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं। तो भाई ये है सेम बहादुर। यार विकी कौशल के लिए ये भी फिल्म देखनी बनती है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ओके सो सेम बहादुर लोग थे उल्टा क्यों देख रहे हैं? एंड उसके बाद शाहरुख, आई लव यू शाहरुख, उसने विकी कौशल साथ में बोनस ये कुछ फिल्में हैं जो देखने लायक हैं।
तो मैं तो सोच रहा था कि यार PVR का पास बनवा लूँ जो 699 का होता है, बट वो बना नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि सर 20,000 टिकट्स ही आए थे और वो 20,000 टिकट्स सोल्ड आउट पूरे के पूरे। तो मैंने क्या सोचा था, मैं पास बनवाऊँगा 699 का, जिसमें मैं 1 तारीख को बनवाऊँगा, सो दैट मैं कम से कम उसमें 10 फिल्में कवर कर सकूँ, उसमें से एनिमल, 12th फेल, सेम बहादुर, टंकी, सलार और एक और कोई फिल्म थी, टाइगर 3। मैंने टाइगर 3 भी अभी तक नहीं देखी। तो मैंने सोचा था कि यार इस मंथली पास जो 699 का बनता है उसमें मैं ये सब फिल्में कवर कर लूँगा और एक महीने में तो बहुत सारी फिल्में देखूँगा। बट जब मैंने कॉल किया ना तो बोले सर यू आर लेट एज ऑलवेज, आप हमेशा लेट हो, हर जगह लेट हो, ज़िंदगी में भी लेट चल रहे हो, तो कोई नहीं 699 का तो ओके चलो अब हम चलते हैं अंदर। बाय शाहरुख, मिलते हैं। सॉरी पनीर टिक्का 140 वेज चीज। ये तो भाई क्या खिला रहा हूँ, पनीर टिक्का खा रहे हैं, स्क्रीन वन एंट्री चालू हो गया, पनीर टिक्का भी नहीं लिया फिर ऐसा रोटी खा रहे हैं, पनीर टिक्का टिक्का होके पनीर टिक्का खाएंगे। अपनी स्क्रीन चालू हो गई भाई, वे दिखता और मुख्यमंत्री पुष्कर। तो मैं और जीतू भाई आ गए हैं थिएटर के अंदर और 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। जीतू भाई सरकार ने पहली बार किसी उत्पादित बिजली खरीद बॉलीवुड फिल्म में मेरे साथ 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4.64 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। UPCL द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। लास्ट फिल्म आई थिंक इन्होंने ओपनहाइमर देखी थी, उसके बाद से अभी तक तो कोई फिल्म नहीं देखी है थिएटर में। देखिए थिएटर में ओपनहाइमर देखी थी लास्ट, मतलब ही इज अ फैन ऑफ ओपनहाइमर टाइप फिल्म। सरकार ने वर्ष 2027 तक हिंदी फिल्मों के कीड़े हैं 2,500 मेगावाट लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.nsy.in और दांतों को रखें। अच्छा द रीज़न इज ये हमारे नियर बाय में सबसे सस्ता अच्छा थिएटर है। कितने 220-230 रुपए की हमें टिकट्स पड़ी हैं, बाकी जो नियर बाय हमारे थिएटर थे हाँ ऑफलाइन लेते तो शायद 170-180 कम पड़ जाता, और यहाँ पे हमें 220-230 रुपीज़ पड़ा है जो कि बाकियों से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नियर बाय हमारे थिएटर्स थे वो सभी थे अराउंड 380 से स्टार्ट थे 380 और वो गया था 780 तक का टिकट। सो दैट्स वाई ये बहुत अच्छा थिएटर है, अफोर्डेबल है और इसलिए हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो आए, नहीं तो अदरवाइज तो ओके। सो अब करते हैं मूवी इन्जॉय, till then bye bye take care। sardi ho gayi taggi jai es premi
So guys, finally हो गया interval और जीतू भाई बताएंगे जीतू भाई कैसा लगा यार मैंने पूछा जरूर देख लेना देखना दो तीन बार देखना और थिएटर में देखना मैं पहली बार देख दो बार और आने वाला हूँ जहाँ पे अच्छा साउंड हो वहाँ it's all about sound it's all about background music it's all about acting भाई पास वाले मेडिकल बच्चों के साथ बताओ चलो चलते हैं इंटरवल के बाद वाले पार्ट में मिलते हैं उसके बाद बाहर कुछ रिव्यूज भी ले लेंगे यदि लगेगा कि लोगों को कैसे लगी इंटरवल और हम लोग अभी कर रहे हैं वॉक क्योंकि हमें अपनी जरूरी चाय आगे है चाय टपू चाय पी के हम लोग निकलेंगे तो फिल्म के बारे में बात करें तो देखो यार मुझे फर्स्ट हाफ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इवन मैंने स्टोरीज भी डाली इंटरवल में बट द सेकेंड हाफ वॉज एवरेज ठीक ठाक है मतलब ऐसे भी नहीं है कि ख़राब है इट्स लाइक नॉर्मल एंड एज ए क्या कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती हैं तो मैं मुझे वो चीज़ें नहीं सही लगती लाइक उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी रश्मिका की एंड रणबीर की एंड सडनली एक और करेक्टर की एंट्री होती जो मुझे पसंद नहीं आया था एंड सेकंड में उतना एक्शन और वो नहीं है एक्साइटमेंट नहीं लाइक बट ये है कि हाँ फिल्म अच्छी है और आप देखते हो जुड़े रहते हो कनेक्टेड रहते हो बोर नहीं होते हो बट इट्स ऑल अबाउट कि इसको क्या पसंद है फिल्म में तो कैसे ही हम लोग रिव्यू करते हैं तो फॉर मी इट्स वन टाइम वॉच फर्स्ट हाफ तक तो भाई देखो ही देखो यार रणबीर कपूर की एक्टिंग क्या बात चलो और बाकी रिव्यू हमारे जीतू भाई देंगे जो फ्रूट मार्केट आ गए पूरी को नहीं खरीदना बताओ थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में बहुत मज़ा आया मज़ा आया क्या मस्त लगा क्या कमी थी रणबीर की एक्टिंग यार मस्ती और कमी क्या लगी कमी यही है यार कि ज़बरदस्ती चीज़ों को ज़्यादा खींच करके दिखाना भी सही नहीं लगता तो वहाँ आपने मुझे कुछ ऐसा लगा बट बेटर आप झेल लोगे इतना है हाँ मतलब तीन घंटे की फिल्म है लेकिन ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि वो बोर फील नहीं करेगा वो खींचा गया है ना वो भी बट आपको बोर फील नहीं करेगा कहीं भी ऐसा मजा आएगा हम लोग ऐसा अरे यार क्या फिल्म बंद हो जाए खत्म हो जाए खत्म निकल जाए वो आपको मन नहीं करेगा वो मन नहीं करेगा चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है जो स्क्रीन पे आ रहा है वो बेटर है ठीक है कुछ चीज़ से हम लोग रिलेट नहीं कर पाए जो हमें थोड़ा सा वो लगी कि यार नहीं है रिलेटेबल नहीं है इसको नहीं होना चाहिए था लाइक दैट तो भी फिल्म चल जैसे गला वाला काटता है वो मेरे को थोड़ा सा वो लगा टू मच वायलेंस है हाँ क्या पता यार गला वाला तो बहुत लोग काट रहे हैं आजकल पता ओके ठीक है सो हमारे रिव्यू पे मत जाओ फिल्म अच्छी है और वन टाइम वॉच हूँ बट हाँ ये है कि बच्चों के साथ फैमिली के साथ मत जाओ फैमिली लाइक फिल्म नहीं है बच्चों के साथ फिल्म जाने लाइक फिल्म है सो आपने फिल्म देखी है फिल्म अच्छी है और ओके टिल देन नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय टेक केयर कहाँ हो Oh, oh, oh.